ये किसी के सामने झुकता नहीं था अभी भी नहीं झुकता, वो बच्चा कोई भी हो अभी भी नहीं झुकता है तो वो तरीका देखियो इहदा जरा किद्दां सो रही है उठ सो गई पूरी हो गई है ढिड तां हिल रहा इहदा सो गुड मॉर्निंग गाइस आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी कैसे उठ गया माधव है चलनी चल निकल है बिल्ली बैठी हुई है कार के नीचे आप सोच रहे होंगे माधव इतनी जल्दी कैसे उठ गया तो मैं आप सबको बता दूं सिर्फ एक घंटा ही सोया हूं नहाया नहीं बिल्कुल भी नहीं तो बाल मेरे बिल्कुल सेट होते एक्चुअली मेरा दोस्त आ रखा है कहाँ से हाँ यूएस से ब्रजमोहन जो कि जब मैं 7-8 साल का था तब से मेरा वो दोस्त है एंड अब उसको मिलने जा रहा हूँ एक्चुअली उसकी शादी पे भी नहीं जा सका था पंजाब में था क्योंकि 2-3 एमरजेंसी काम पड़ गए थे केसा गुस्सा जो सिखा था डब रहा उस वेले मजाक कर रहा यार सीरियस भी ले लोगे तो क्या हो जाएगा नथिंग लाइक दैट सो या फिर शादी पे भी नहीं जा पाया मिल ही नहीं पाया एंड तो माता जी ने मेरे को फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे करके कि ब्रजमोहन आया हुआ है तो आप आ जाना 7:30-8 तक तो साथ में ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो फिर चलिए चलते हैं मंदिर आज भगवान ने देख लो यार दिन दिखाना ही था नहीं तो मैं 3-4 दिन से घर पे मतलब शाम को ही निकल रहा था 4-5 समझ रहे हो सिस्टम मेरा सो चलते हैं भगवान जी के दर्शन करते हैं एक घंटा सोया हूँ मात्र एक घंटा ब्रदर्स आई डिडंट नो कि मेरे को जाना पड़ जाएगा लेकिन जो यहाँ की माता जी है वो देवकी नंदन प्रभु जी की वाइफ है एंड मेरे को अपने बच्चों की तरह समझते हैं वो एंड मेरी काफ़ी टेक केयर करते हैं वो इस्कॉन जुगू में सो मैं उनकी बात कभी नहीं डालता चाहे कुछ हो जाए कुछ भी हो जाए वो कुछ कह दें ना वो पूरा करना ही है मतलब आई रिस्पेक्ट देम मतलब अलॉट मतलब अपने बच्चों की तरह प्रेम करते हैं मेरे से वो सोया चलिए चलते हैं मंदिर आप सबको दिखाऊंगा मंजर एंड एवरीथिंग 7 हैं सिग्नल सुग्नल कोई फॉलो नहीं अपा करना पर इन्हें कर लिया तो सो कर लेने चलो चलते हैं मंदिर मुंबई की सड़कों पे सुबह सुबह 7:30 हो गए हैं एंड हर एक बंदा आपको ना सड़क पे यहाँ पे बम्बई में अगर आप कभी आए नोटिस करना है या तो मैं कभी नोटिस करवा दूंगा मतलब गड्डी इदा बजा रहे होंगे मतलब इंजन की क्षमता भी नहीं है इंजन पता कैसे आवाज कर रहा होगा ऐसे ऐसी आवाज कर रहा होगा मतलब क्या ही भागती होंगी वो कारें और उनको भगा रहे हैं मतलब आई गेट इट लेट हो जाता है बंदा ऑफिस पे टाइम पे पहुंचना है पंचिंग वाला सिस्टम है भगवान ने मेरी लाइफ कितनी अच्छी बना रखी है कोई पंचिंग नहीं कोई कुछ नहीं उठो मत्था टेको अपना काम करो कभी भी करो है ना इससे बेस्ट लाइफ क्या होगी यार और व्लॉगिंग शुरू हो गई है इस बहाने पूरी दुनिया घूम हो जाएगी बेस्ट चीज यार बेस्ट चीज तो आप सबको मैं लेके चलता हूँ मंदिर के अंदर मतलब ये मत सोचना कि यार मैं नहाया नहीं मैं रात को नहा के ही मतलब गया था जिम के बाद आपको पता जिम भी मेरा 10-11 खत्म होता है गाइस ये था चंदन मतलब मजा आता सी फिल्म देख के एंड समोसे मिलते सी यार मजा आ जाता सी
सो गाइस अब चलते हैं मंदिर के अंदर, आपको दिखाऊंगा मैं। वैसे तो पता ही है आप सबको कि क्या सीन है, क्या सिस्टम है मंदिर का, लेकिन डेली व्लॉगिंग ब्रदर्स, डेली व्लॉगिंग। सो ये है मंदिर की एंट्री, यहाँ से एंटर करना पड़ेगा। सो अब देखते हैं, अंदर चलता हूँ लेके, आप सबको फिर मुलाकात होगी। पर्ची क्या काटेगा यार मेरी। जिसकी मैं बात कर रहा था ब्रिजमोहन, जब मैं 7-8 साल का था, तब से हम साथ में हैं गुरुकुल में, वृंदावन में। एंड तो इन भाई की शादी में नहीं मैं पहुंच सका था। और सरप्राइज कि तू यहाँ पे मिल गया होगा, तो कोई उम्मीद ही नहीं था। लेकिन लेकिन तेरे को मैसेज तो करना चाहिए था कि भाई है कि नहीं है, लेकिन ठीक है सब अपना, यू नो, आके नींद नहीं हुआ है और यू नो टायर्ड। अब यूएसए वाले बंदे हैं, वहाँ पे रात हो रही है, यहाँ दिन हो रहा है। यहाँ पहुँचते पहुँचते 30 घंटे लग जाते हैं। 30 घंटे यार, चार ही डिफिकल्ट, तीन चार फ्लाइट हम लोग चेंज करके आते हैं तब जाके यहाँ पहुँचते हैं। और नाइस टू सी यू, सेम हियर ब्रो, सेम हियर। और बताओ मेरी कोई बात याद हो माधव शर्मा की, जो मतलब ऐसी बात हो कि मतलब वो भूल ही नहीं पा रही, मतलब माधव का नाम आए वो बात याद आ रही है। कोई अच्छी बात हो बस, एक्सप्लिसिट कंटेंट नहीं चलेगा। वो हम ऑफ द कैमरा बात कर लेंगे। माधव, he was always a leadership role, माधव रखता था हमेशा, आई हमेशा फोरफ्रंट पे रहता था। और अब क्या बताएं, यू नो, he was a strong guy, he used to lead people, और इसके कोई इसके सामने मतलब यू नो ये किसी के सामने झुकता नहीं था। अभी भी टीचर हो, बच्चा हो, कोई भी हो, अभी भी नहीं झुकता है। तो वो मस्त क्वालिटी है, और वो कभी जाने मत दे रहे हैं, लाइक दैट्स योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं बताता हूँ एक फीलिंग क्या होती है। बीच में मैंने सोचा कि यार चलो झुक भी जाना, मतलब झुकता ही हूँ, मतलब जिसकी मैं सबसे ज़्यादा ह्यूमिलिटी भी रहना चाहिए। जैसे बड़ी मम्मा है, बड़े पापा हैं, इनकी मैं रिस्पेक्ट बहुत दिल से करता हूँ, मतलब जो बोलते हैं मतलब बोलते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं मैं तो उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ ना। कई बार ऐसे होता है कि यार नहीं, झुक के देख लेते हैं, जैसे नॉर्मल पीपल के सामने, किसी के सामने भी बंदा कहता है कि चल झुक के देख लेते हैं। भाई अगर सोचते हैं ना, झुक मतलब झुकेंगे हम, अंदर से शरीर आवाज़ देता है नहीं तू नहीं झुकेगा। वो तेरा नेचुरल एक टेंडेंसी है ना, जब तक वो बंदा रिस्पेक्ट मेरे लिए अर्न ही ना कर लेता, मैं उस बंदे के लिए झुक ही नहीं सकता। सही बात है। और हमारे गुरुकुल की टीचर्स कोई अच्छे नहीं थे हो भाई, हर वक्त मुझे फंसाते थे। और उनकी 4-5 साल कोशिश रही है माधव को हर साल निकालने के लिए, हर साल निकालना, अपने आप से छोड़ा, लेकर अपने आप मैंने क्विट कर दिया यार। बहुत अच्छे दिन थे, बहुत अच्छे दिन थे यार। चलो अब हम खाने लगे हैं ब्रेकफास्ट। ऑर्डर किया हुआ है गोविंदा स्पेशल, पता नहीं केड़ा डोसा, तो वो खाएंगे, फिर आगे का माहौल आपको बताएंगे। चिंता मानी प्रकार यार, वाइपर दा बैक साइड भी पानी है भाई, आगे कर लो जरा। हो सो गाइस भाई, 1 घंटा ही सोया हुआ था मैं, वहां से ब्रिजमोहन को मिलके डायरेक्ट ही घर पे आ गया। एंड आके मैं व्लॉग अपलोड करके, मैं कहा इससे पहले व्लॉग लेट हो जाए, मैं कहा पहले ही अपलोड कर दो भाई। यार ये बंदे पागल है इतने, यार नजायज डिप्पर मारते रहते हैं पागल साले, हॉर्न भी मार।
हॉर्न भी मारेंगे तो डिपर भी मारेंगे। सो हाँ, सो ब्रिजमोहन आज चला गया है बनारस बैक टू हिज वाइफ, देख रहे हो, बैक टू हिज वाइफ, वाइफें बन गई हैं सबकी। हमारा भाई 27 साल का अकेला घूम रहा है भाई, जिन्होंने दुनिया जीतनी है उनको किसी का साथ नहीं चाहिए, चाहिए 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 नहीं चाहिए चाहिए, मैं कह रहा हूँ नहीं चाहिए, चाहिए ब्रो, नहीं चाहिए। बाकी किसी के चाहिए या किसी के ना चाहिए से क्या लेना देना ब्रदर, संजोग जब आपके हक में होते हैं तब आपको सब मिल जाते हैं, जब आपके खिलाफ होते हैं तब आपको कोई भी नहीं मिलता, ठीक है, समझ गए माहौल। गाइस बहुत बहुत शुक्राना, मेरे 2000 से ऊपर 2010 सब्सक्राइबर हो गए हैं आप सब की बदौलत, एंड आई एम सो लकी, सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल, मतलब ऑल द कितना की कहते हैं, ऑल द गुड विशेस टू मी एंड टू यू टू मेकिंग, मतलब यार मेरे को फुल टाइम ब्लॉगिंग के लिए, मैंने यार मेरे को नहीं पता था कि मैं यार कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, आई डिडंट नो द प्रोसेस, आई डिडंट न्यू द एडिटिंग, आई डिडंट नो द एनीथिंग, मतलब मैं न्यू नो वाला, तो ये आप ही देख लिया करो कितने की लाना। सो भाई बहुत बहुत शुक्राना यार, मतलब मैं करता करता सीख ही गया यार, करता करता मैं सीख ही गया, मतलब ठीक है। और एक बात ना भूलना, जिस दिन 10K सब्सक्राइबर हो गए, इधर से 999 से 10K होंगे और उधर से गाड़ी से लाल कपड़ा हटेगा, गड्डी ले आनी है भाई, why would I wait for, मतलब क्यों 100, 150, 50K की होता है, 10K ते ही celebrations and जो भी। So guys अब चलते हैं जिम, आपको एक बात बता दूं, ब्रेकफास्ट कर लिया, इतना हैवी ब्रेकफास्ट भाई, वो जो गोविंदा स्पेशल डोसा खाया ना भाई, बहुत हैवी था वो, एंड यू नो दो दिन से सोच भी रहा था कि यार मेरा भी ब्रेकफास्ट खाने को दिल करता है, इडली खाने को दिल करता है, डोसा खाने को दिल करता है, पोहे नहीं खा पाया, आज पोहे भी मंगाऊंगा और वो भी चस्का पूरा कर लूंगा, यू नो भगवान कितनी सुनते हैं आपकी। सो चलो चलते हैं जिम, मारते हैं एक्सरसाइज। Oh, you know.
जैसे आपको पता है इधर भी पार्टी चलती है। ओए यार वाइपर दी रबड़ पवानी है यार, कार भी प्रेशर से डुलवानी है, सिस्टम इन्ना क जिम हैव बीन डन। तो अब चलते हैं घर पे, अभी देखता हूँ कि मेरा कोई प्लान है कि नहीं है, अगर नहीं हुआ तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, अगर हुआ तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है चलिए चलते हैं। परसी तू जो सदिया पिछों मी पैंदा हिटमिया ते इस जन्म विच पूरी हुई है। सो गाइज मैं अपना खुद का ही व्लॉग देख रहा हूँ केदारनाथ बद्रीनाथ सीरीज वाला। भाई मेरे को जब भी ना याद आती है ना उस जगह की, मैं ना व्लॉग लगा के देख लेता हूँ यार। मतलब मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मेरा मन था भी कि मैं कहा चल मरीन ड्राइव घूम के आते हैं। आई वाज लाइक नहीं यार, आई एम मिसिंग केदारनाथ एंड बद्रीनाथ की यार, लेट्स वॉच इट। भाई मैं खाना खाने वाला पड़ा हुआ है मेरा, अभी तक खाना नहीं खाया मैंने। मैं ये व्लॉग देख रहा हूँ कब से, और मतलब मेरे को मेरा ही व्लॉग अच्छा लगी जा रहा है। मतलब ठीक है खुद का व्लॉग तो अच्छा लगेगा ही, आप लोग भी जाके ना वो बद्रीनाथ वाला केदारनाथ वाला व्लॉग देखो, और उसमें ना यार आप ग्रीनरी पहाड़ ये सब फील करो यार। मतलब इट लुक्स सो गुड क्या ही बताऊं यार, बहुत मजा आ रहा है यार। ऊपर से माधव शर्मा ने क्या गाने लगा रखे हैं ब्रदर, मतलब यू नो मैं अगर यूट्यूबिंग में भी नाम होगा अब अपना लग रहा है ऐसा मुझे यूट्यूबिंग में। ए भाई मैं कह रहा हूँ चाहे प्रोफेशनल बनूं ना बनूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई हैव कैप्चर्ड द मेमोरीज यार। मतलब मैं मेमोरीज बना चुका हूँ, मतलब आई फील सो गुड यार। अब जून जुलाई में यात्रा आने वाली अमरनाथ वाली, फिर निकलेंगे ट्रिप पे, मजा आएगा ब्रो मजा आएगा। तब तक के लिए अपन बॉम्बे एक्सप्लोर करेंगे आसपास, नासिक नूसिक सब पहाड़ी एरिया, महाबलेश्वर एंड ऑल एवरीथिंग वील एक्सप्लोर ओवर हियर। मेरा दोस्त गया हुआ है अभी जरा दिल्ली, उसको आ जाने दो, फिर एक ट्रिप तो मतलब पक्का, मतलब ट्रिप तो मारते जाना है, अब रुकना नहीं है ब्रदर्स, रुकना नहीं है, अब खिंच के रखना है काम खिंच के। चलो यार देख लो यार, मेरा बहुत मन कर रहा है यार ये देख रहे हो ये केदारनाथ वाली सीरीज है ये सारी, एंड लोगो देख रहे हो ऊपर चमके आए।